17 अगस्त की रात कैलिफोर्निया में एक ऐसा दृश्य दिखा जिसको देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध है। रिंग नेबर ऐप पर कैलिफोर्निया के 100 से भी अधिक निवासियों ने मल्टीपल यूएफओ देखने का दावा किया। हर तरफ अफरा तफरी मच गया और सरकार को हाई लेवल जांच का आदेश देना पड़ गया। भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में ये कहा गया है कि कलयुग के अंतिम समय में पृथ्वी पर अन्य ग्रह के प्राणी आएंगे। तो क्या वो आ चुके हैं? हाँ, आ तो चुके हैं, पर हमसे मित्रता करने नहीं बल्कि हमें बर्बाद करने। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। दुनिया के बहुत से प्रभावशाली व्यक्ति मनुष्य है ही नहीं बल्कि वे सब एलियंस के रेप्टिलियन प्रजाति के हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि 2018 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है, जिसके अनुसार क्वीन एलिजाबेथ, बुश परिवार, अनेकों ग्लोबल बैंकिंग लीडर्स एवं अनेकों सेलिब्रिटीज जैसे कि जस्टिन बीबर, केटी पेरी, सब के सब ह्यूमंस नहीं है बल्कि रेप्टिलियंस है। इस थ्योरी का आरंभ हुआ था 1998 में, जब डेविड नामक एक व्यक्ति ने द बिगेस्ट सीक्रेट नाम का एक किताब पब्लिश किया था, जिसमें ये कहा गया है कि अनेकों वर्ष पूर्व अल्फा ड्रैकोनिस स्टार सिस्टम से एक बहुत ही आधुनिक एलियंस का प्रजाति पृथ्वी पर आया था जो आज संपूर्ण पृथ्वी पर नियंत्रण करता है। इस कहानी का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर यूएफओ यानी अज्ञात उड़ती वस्तु जिस पर सवार होकर ये एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, उसका प्रमाण निश्चित रूप से है। 1947 में रोजवेल नामक अंचल के अंदर एक व्यक्ति को एक क्रैश लोकेशन मिला था। जब उसने निकट जाकर उसे ध्यान से देखा तो एक क्षण के लिए वो हैरान हो गया, क्योंकि क्रैश हुआ वस्तु कोई प्लेन या बेलून नहीं था बल्कि एक फ्लाइंग सॉसर था यानी यूएफओ। उसने तुरंत ही इस घटना का खबर स्थानीय पुलिस को दे दिया, जिसके बाद उस यूएफओ के अवशेषों को मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने कुछ अनजान व्यक्तियों ने आकर अपने साथ लेकर चले गए। ये खबर तब आग की तरह फैल गया और लोगों ने सरकार से प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया कि वो वस्तु असल में था क्या। जब लोगों ने अत्यधिक दबाव बनाया तब जाकर खुद मिलिट्री ने प्रेस रिलीज करके कहा कि ये वस्तु असल में एक यूएफओ ही है जिसके विषय में अभी के लिए हमें कुछ भी पता नहीं है। हालांकि बाद में सरकार के दबाव में आकर उसी मिलिट्री को सफाई देना पड़ा कि वो वस्तु यूएफओ नहीं बल्कि एक हॉट एयर बलून था। रोजवेल इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स का घटना अचानक तीव्र हो गया। अलग अलग देशों में मल्टीपल यूएफओ दिखने के खबर प्रकाशित होने लगे और तब से लेकर अभी तक इंटरनेट पर हजार से भी अधिक यूएफओ के वायरल वीडियो शेयर हो चुके हैं। इन्हीं में से सबसे रिसेंट वाला है कैलिफोर्निया का। 17 अगस्त की रात जब कैलिफोर्निया के पामडेल एवं लैंकास्टर में रहने वाले लोग शांति से अपना काम कर रहे थे, तब अचानक रिंग नेबर ऐप पर एक के बाद एक स्टेटस अपडेट्स आने लगे और सब में एक बात कॉमन था, यूएफओ, वो भी एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल यूएफओ। उस रात कैलिफोर्निया के हजारों लोगों ने आकाश में एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल यूएफओ को देखने का दावा किया और ये दावा इतना गंभीर था कि स्थानीय प्रशासन को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना पड़ गया। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित अनेकों वीडियो शेयर हो रहे हैं, जिनमें से ये वाला सबसे वायरल है। अनेकों सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को पोस्ट करके इसमें दिखाई दे रहे वस्तु को कैलिफोर्निया में दिखने वाला यूएफओ कहा, पर ये वीडियो फेक है। ये वीडियो असल में हवाई के ओहाउ का है जहां पर पोकेमोन ड्रोन शो चल रहा था और वीडियो में दिख रहा वस्तु असल में ड्रोन है। कैलिफोर्निया यूएफओ साइटिंग का ओरिजिनल वीडियो ये है और जब कुछ एक्सपर्ट्स ने वीडियो में दिख रहे वस्तु को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जूम आउट किया तो कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया, एक ट्रायंगुलर शेप्ड यूएफओ। कौन सा कहानी सही है और कौन सा नहीं ये बता पाना कठिन है, बिकॉज एवरीथिंग इज सेंसर्ड। जब भी कहीं पर एक यूएफओ दिखाई देता है तो वहां की सरकार अपने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यानी प्रारंभिक जांच में उसे यूएफओ ही कहता है, पर जब कुछ दिन बीत जाते हैं वही सरकार अपने कंक्लूजन रिपोर्ट में उसे यूएफओ नहीं कहता बल्कि उसे वेदर बलून या हॉट एयर बलून या ड्रोन कहकर केस फाइल क्लोज कर देता है। 2023 में मैक्सिको के संसद में दो एलियंस के ममिफाइड बॉडीज को प्रदर्शित किया गया था, जिनको देखकर दुनिया के सभी वैज्ञानिक हंसने लगे क्योंकि वे किसी भी एंगल से रियल नहीं लग रहे थे।
और तो और जिस व्यक्ति ने उन्हें प्रदर्शित किया था उसके पास्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार उसने पहले भी बहुत बार पुतलों को एलियन बताकर दुनिया को मूर्ख बना चुका है। परंतु जब उन दो एलियन ममीज का एक्सरे एवं डीएनए जांच हुआ तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ना ही ये कोई पुतला था, ना ही ये कोई मनुष्य, ना ही पृथ्वी पर रहने वाला कोई अन्य प्राणी, बल्कि ये तो एक असली एलियन ही था। और इसका केस फाइल पब्लिक डोमेन से गायब हो चुका है। 2023 में जब इतिहास में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के संसद में एलियंस एवं यूएफओस पर हियरिंग हुआ, तब तीन मिलिट्री वेटरन्स ने दावे के साथ कहा कि यूएस के पास नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स के साथ साथ अलग अलग प्रकार के यूएफओ भी हैं, जिनको सरकार ने अलग अलग क्रैश साइट्स में से संग्रह किया है। परंतु इस हियरिंग के बाद उन वेटरन्स को जान से मारने का धमकी मिलने लगा, उनके फैमिली मेंबर्स को परेशान किया गया और कुछ ही दिनों बाद ये केस फाइल भी पब्लिक डोमेन से गायब हो गया। प्रश्न है क्यों? ऐसा कौन हो सकता है जो इन दावों को दबाने का प्रयास कर रहा है? ऐसा कौन हो सकता है जो इन तथ्यों को साधारण जनता से छुपा कर रखना चाहता है? इसका उत्तर तो मेरे पास है, पर क्या आप उसे ग्रहण कर पाओगे? यदि हाँ तो सुनिए, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, कितना कमाते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि क्या सोचते हैं, सब कुछ कंट्रोल किया जाता है आपके द्वारा नहीं, इल्यूमिनाटी के द्वारा। वही इल्यूमिनाटी जिसके सदस्य एलियंस के रेप्टिलियन स्पेसीज के प्राणी हैं। 600 वर्ष पूर्व संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि बुध ग्रह के प्राणी पृथ्वी पर आएंगे एवं शत्रुओं के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। उनका उद्देश्य मित्रता का नहीं होगा, बल्कि उनका उद्देश्य पृथ्वी पर कब्जा करने का होगा। एंशियंट थ्योरीज के अनुसार अनेकों वर्ष पहले मरकरी पर एक महायुद्ध हुआ था, जिसके कारण पूरा ग्रह तबाह हो गया था और जितने भी बच गए थे उन्होंने अन्य ग्रह एवं अन्य उपग्रह पर शरण ले लिया था। परंतु वहां पर रिसोर्सेस का भारी कमी होने के कारण उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा। आज तक वैज्ञानिक यह मान रहे थे कि मरकरी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट होने के कारण बहुत ही अधिक गर्म है। पर आज उन्हीं वैज्ञानिकों को मरकरी पर पानी के ट्रेसेस मिले हैं, जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि भले ही बुध ग्रह के ऊपर जमीन पे जीवन संभव नहीं है, पर जमीन के नीचे संभव है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से स्पेसक्राफ्ट ने सबसे पहले मरकरी पर पानी का खोज किया था? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि महाराष्ट्र में छोटे बड़े मिलाकर टोटल कितने आइलैंड्स हैं। सही उत्तर है 124। विजेता है सुजल सिंधे। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।